स्वामी विवेकानंद जी के स्वास्थ्य के प्रति चेतना जागृत करने के प्रयासों के कारण मध्य प्रदेश शासन ने उनके जन्म दिवस युवा दिवस पर जन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने हेतु सामूहिक सूर्य नमस्कार और प्राणायाम के अभ्यास का कार्यक्रम प्रति वर्ष 12 जनवरी को आयोजित करता है। इसी तारतम्य में इस वर्ष भी योग दिवस पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन मध्य प्रदेश के समस्त शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक संगठनों ने प्रशासन के साथ किया। जिले के समस्त विद्यालयों में लगभग 63,500 से अधिक छात्र छात्राओं सहित गणमान्य नागरिक जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी कर्मचारियों ने भाग लिया। जिला स्तर पर मुख्य कार्यक्रम स्टेडियम मैदान खरगोन पर आयोजित किया गया, जिसमें विधायक बालकृष्ण पाटीदार, कलेक्टर कर्मवीर शर्मा, SP धर्मवीर सिंह, अपर कलेक्टर JS बघेल, श्रीमती लक्ष्मी गामर सहित समस्त जिला अधिकारी जनप्रतिनिधि गणमान्य नागरिकों के साथ जिला मुख्यालय स्थित विद्यालयों के लगभग 1500 छात्र छात्राएं एवं उनके शिक्षक उपस्थित थे। इस अवसर पर कलेक्टर शर्मा ने कहा कि विवेकानंद जी ने छोटी सी उम्र में जब संचार के साधन भी उपलब्ध नहीं थे तब विदेश में देश की संस्कृति एवं अध्यात्म एवं युवा शक्ति का डंका बजाया था। आज के इस वातावरण में हमें स्वस्थ रहने के लिए योग प्राणायाम का नियमित अभ्यास करना आवश्यक है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। जंघाओं की शक्ति में वृद्धि होती है। आज पर्वतासन, श्वास को छोड़ते हुए हाथों और पैरों की मांसपेशियों को और तंत्रिकाओं को व्यायाम मिलता है। 9 अश्व संचालन आसन। अब बाएं पैर को आगे ले आए, पूरक स्थिति, दाहिना पैर पीछे खींचा हुआ, घुटना जमीन पर, दृष्टि आगे की ओर। 10 पहले पैर को भी आगे ले आए, पादहस्तासन की स्थिति। 11 हस्तोत्तानासन, हाथ ऊपर उठाइए। आत्मविश्वास की वृद्धि, रीढ़ को पीछे झुकाने के कारण। 12 प्रार्थना की मुद्रा। द्वितीय चक्र समाप्त हुआ, हाथों को नीचे छोड़ दे, आराम की स्थिति। 5 दाहिना पैर भी पीछे, पर्वतासन की स्थिति। 6 अष्टांग नमस्कार। 8 अंग जमीन पर टिके हुए, पैरों के पंजे, घुटने, हथेलियां। 10 पादहस्तासन, दाहिना पैर भी आगे। 11 श्वास को भरते हुए हस्तोत्तानासन, चार मुद्रा। धीरे से हाथ को नीचे छोड़िए। सूर्य नमस्कार का अभ्यास हमने किया। आंखों को बंद रखिए, अंदर आए परिवर्तन को अनुभव कीजिए। सामान्य स्थिति में जिसमें रीढ़ की हड्डी सीधी रह सके, पद्मासन सुख। जितना धीमे कर सकते हैं उतना धीमे धीमे करें। दूसरा चक्र, बाई नासिका से श्वास को भरिए। जितना धीमे कर सकते हैं पूरा ध्यान श्वास पर, नासिका के अंदर श्वास का स्पर्श अनुभव कीजिए। रोकिए नहीं कहीं, बाएं से पूरा होने पर दाहिने से छोड़िए, फिर दाहिने से भरिए और बाएं से छोड़िए। अंदर आती हुई श्वास में हल्की सी ठंडक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।